इंडिया में इंडियन लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन से बनाई हुई या फिर म्यूटेशन से खोजी हुई रोज वैरायटीज को इंडियन रोज वैरायटीज कहा जाता है। ये वैरायटीज इंडिया में बनी होने के कारण इनकी ग्रोथ और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है। वैसे तो 1000 से भी ज्यादा इंडियन रोज वैरायटीज हैं, लेकिन इस गणतंत्र दिवस के विशेष अवसर पर हम 26 इंडियन रोज वैरायटीज के बारे में जानकारी लेंगे। उन्हें जिन रोजेरियंस ने बनाया उनकी भी थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। नई रोज वैरायटी तैयार करना बड़ा ही मुश्किल काम है। ऐसा रिसर्च करने वाले भारतीय लोगों पर और भारतीय संस्थानों पर हमें बहुत ही गर्व होना चाहिए। इस लिस्ट में से कौन सी वैरायटी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पहली रोज वैरायटी है दिल्ली प्रिंसेस। इस रोज वैरायटी के हाइब्रिडाइजर हैं डॉक्टर बीपी पाल। इंडिपेंडेंट इंडिया के शुरुआती हाइब्रिडाइजर्स में से डॉक्टर पाल एक है। इनका काम इतना ग्रेट माना गया कि डॉक्टर पाल के ऊपर और दिल्ली प्रिंसेस के ऊपर भी एक पोस्ट टिकट है। दूसरी रोज वैरायटी है पैट शैनली। एक बहुत ही अनोखे तरीके का ग्रैंडीफ्लोरा ये गुलाब है। इसके हाइब्रिडाइजर हैं एमएस वीर राघवन। इस गुलाब के हर एक फूल को अलग ही तरह के फूल लगते हैं। गिरजा जी और वीर राघवन जी का हर एक गुलाब का हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही अलग तरीके का होता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स जेनेटिक्स में ये काम करते हैं। अगला गुलाब है बहुरूपी। बहुरूपी ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जीबिशन परफॉर्मर है। इस गुलाब के हाइब्रिडाइजर हैं मिस्टर एंड मिसेस घोष। मिस्टर घोष को नई नई गुलाब की वैरायटी बनाने में महारत हासिल है। इनकी 150 से भी ज्यादा हाइब्रिड टी रोज वैरायटीज अवेलेबल हैं। अगली रोज वैरायटी है अहिल्या। ये समर स्नो नाम की बड़ी खूबसूरत रोज वैरायटी का स्पोर्ट है और दिखने में लाइट पिंक कलर का है। फॉर्मर रणजी क्रिकेटर और रोजेरियन जी कस्तूरी रंगन इन्होंने ये गुलाब खोजा है। इन्होंने बाकी बहुत सारे रोजेस हाइब्रिडाइज भी किए हैं, लेकिन ये गुलाब बड़ा ही सुंदर है और एग्जीबिशन में बढ़िया परफॉर्मेंस भी देता है। अगर थोड़ा सा खोजा गया तो आपके घर के पास के लोकल नर्सरी में भी ये मिल सकता है। पांचवी वैरायटी है ब्लू ओशन। इसे हाइब्रिडाइज किया है डॉक्टर वाई के हंडे इन्होंने। ब्लू ओशन भी लीलियाक रंग का बड़ा ही सुंदर गुलाब है। एग्जीबिशन लेवल का गुलाब है। डॉक्टर हांडे इन्होंने इसके साथ साथ बहुत सारे और भी बढ़िया हाइब्रिड टी गुलाब रिलीज किए हैं। अगली जोड़ी है मिस्टर रामराव जगताप और इन्होंने बनाया हुआ गुलाब सुधांशु। सुधांशु बेबी पिंक कलर का बहुत ही सुंदर दिखने वाला सुगंधी हाइब्रिड टी गुलाब है। ये बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। गोल्डन टच ये है हमारी अगली वैरायटी। इसे हाइब्रिडाइज किया गया है डॉक्टर एन वी शास्त्री इनके द्वारा। नागपुर में रहने वाले डॉक्टर शास्त्री इन्हें हाइब्रिडाइजेशन में कमाल की महारत हासिल है। आज तक इनके 50 से भी ज्यादा हाइब्रिड टी गुलाब रिलीज हो चुके हैं। नेक्स्ट वैरायटी है गॉड्स पार्टिकल। बहुत ही बढ़िया सुगंध और स्टार शेप ओपनिंग रखने वाला ये लाल रंग का गुलाब हाइब्रिडाइज किया है रोजेरियन पुंडलिक निभण इन्होंने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इस गवर्नमेंट की संस्था ने बनाई हुई एक बढ़िया फ्लोरिबंडा वैरायटी है सदाबहार। सदाबहार को एक ही बार में बहुत सारे लाइट पिंक कलर के बढ़िया फूल लगते हैं। ये एक एग्जीबिशन वैरायटी भी है। अगली वैरायटी है शुभम। शुभम का रंग बड़ा ही अनोखा और अलग है। इस वैरायटी को हाइब्रिडाइज किया है डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती इन्होंने। अगली वैरायटी है जनरल वैद्य। फ्रूट नाम के बड़े पॉपुलर हाइब्रिड टी गुलाब का ये स्पोर्ट है। इस वैरायटी को खोजा है मिस्टर चंद्रकांत मोरे इन्होंने। जनरल अरुण कुमार वैद्य इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए चंद्रकांत जी ने इस वैरायटी का नाम उनके ऊपर रखा है। 12वीं वैरायटी है तितली। येलो कलर का बहुत ही बढ़िया बंच में आने वाला
ये इंडियन फ्लोरिबंडा गुलाब है। इसके हाइब्रिडाइजर हैं बहुत ही पॉपुलर रोजेरियन संजय मुखर्जी। 13वीं वैरायटी है एडवोकेट राहुल। इसे हाइब्रिडाइज किया है पुणे के गणेश शिर्के इन्होंने। ये वैरायटी हेडलाइनर नाम के गुलाब के सीडलिंग से बनी हुई है। इस वैरायटी का नाम गणेश शिर्के इन्होंने देश के बड़े ही पॉपुलर रोजेरियन राहुल कुमार इनके ऊपर रखा है। इंडियन हेरिटेज ये है अगली वैरायटी। इसे हाइब्रिडाइज किया है आशीष मोरे इन्होंने। इंडियन हेरिटेज की सफेद पंखुड़ियों के ऊपर जो पिंक लाइनिंग आती है वो बहुत ही खूबसूरत दिखती है। नेक्स्ट वैरायटी का नाम है मेहर। ये एक बड़ा ही पॉपुलर इंडियन बाइकलर गुलाब है। इसे हाइब्रिडाइज किया है नादिर पावरी इन्होंने। अगली वैरायटी का नाम है जोश। इस जोश वैरायटी को पुष्पांजलि नर्सरी ने खोजा है। ये हाइब्रिड टी ऑरेंज और व्हाइट कलर का स्ट्राइप गुलाब है। लखनऊ के फ्रेंड्स रोजरी के जेपी अग्रवाल इन्होंने खोजा हुआ अगला गुलाब है। इस गुलाब का नाम है शांति। बहुत ही पॉपुलर हाइब्रिड टी पीस गुलाब का ये स्पोर्ट है। ये पूरे के पूरे येलो कलर का है। एस जी लोंढे और वी जी गोखले इन्होंने खोजी हुई अगली रोज वैरायटी है मानस। ये एक स्ट्राइप गुलाब है। फोकलोर नाम के बहुत ही पॉपुलर रोज वैरायटी का ये म्यूटेशन या फिर स्पोर्ट है। अगली रोज वैरायटी है सहस्त्रधारा। अपने नाम की ही तरह ये एक स्ट्राइप गुलाब है। पिंक कलर के गुलाब के ऊपर व्हाइट कलर की बेहद छोटी छोटी स्ट्राइप्स बड़ी ही सुंदर दिखती है। इस गुलाब को खोजा है अर्पी ठाकुर इन्होंने। अगली रोज वैरायटी ब्राइट ऑरेंज कलर की हाइब्रिड टी वैरायटी है। इस रोज वैरायटी का नाम है महर्षि। इस वैरायटी को खोजा है रायपुर के तेज गंगा रोजेस इन्होंने। स्वामी विनयानंद और के भट्टाचार्य जी इन्होंने खोजी हुई अगली वैरायटी है कलकत्ता 300। कलकत्ता 300 ये भी पिंक कलर का गुलाब है और इस पर भी व्हाइट कलर के स्ट्राइप्स होते हैं। ये भी एक बहुत ही बढ़िया एग्जीबिशन क्वालिटी वैरायटी है। नासिक के बी के पाटिल इन्हें ग्लैडिएटर का एक स्पोर्ट मिला। इस स्पोर्ट का नाम उन्होंने रखा श्री स्वामी समर्थ। ये गुलाब की वैरायटी ग्लैडिएटर से कुछ अलग सी दिखती है। ग्लैडिएटर का कलर लाल रंग का होता है तो इसका थोड़ा सा पिंकिश होता है। डेक्कन डिलाइट ये सी आर चिपलूणकर इन्होंने खोजा हुआ फ्लोरिबंडा गुलाब है। अरीना 93 ये है हमारी अगली वैरायटी। इस वैरायटी के हाइब्रिडाइजर हैं एस सी डे। हॉर्टिकल्चर अरीना इन्होंने खोजा हुआ रेड वेटर टैग। ये बड़ा ही यूनिक गुलाब है। ये वेटर टैग इस वैरायटी का स्पोर्ट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 26वीं वैरायटी है पिंक शॉवर। पिंक शॉवर को बहुत ही छोटे छोटे आकार के पिंक कलर के फूल लगते हैं, बड़े ही खूबसूरत दिखते हैं। ये वैरायटी एग्जीबिशन क्वालिटी वैरायटी है। इसे तैयार किया है रैमसन नर्सरी इन्होंने। दोस्तों एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये जो इतनी सारी रोज वैरायटीज बनती हैं, इतने सारे रोजेरियंस बहुत ही मेहनत करते हैं, अगर डायरेक्टली देखा जाए तो इन सब का मॉनिटरी बेनिफिट या फिर आर्थिक फायदा इंडिया में इन्हें बिल्कुल भी नहीं मिलता। गुलाब के प्रति इनकी जो श्रद्धा है, प्यार है और पैशन है, सिर्फ इसके ही लिए ये इतना सारा काम करते हैं, इतनी सारी मेहनत करते हैं और बढ़िया बढ़िया वैरायटीज तैयार करते हैं। ऐसे बड़े बड़े रोजेरियंस हमारे इंडिया से हैं, इस पर हमें बहुत ही ज्यादा गर्व होना चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर से एक बार आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।